तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल हेरॉक्स YT पे। तो गाइस, मैं वापस से आ चुका हूँ आप सबके लिए माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही औसम मोड लेकर के। जी हाँ गाइस, इस वाले वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेबी मोड। जी हाँ गाइस, बेबी मोड ये वाला जो मोड है, ये बिगिनर्स जिन्होंने माइनक्राफ्ट अभी भी खेलना स्टार्ट किया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है ये बेबी मोड। क्योंकि इस वाले मोड की मदद से आप लोगों का जितना भी अटैकिंग मोब होता है गाइस, सारा का सारा अटैकिंग मोब का डैमेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ गया है और भी काफ़ी सारा पावर्स आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल जाता है गाइस, इस वाले मोड की मदद से। तो गाइस, अगर आप लोग जानना है कि आप लोग यहाँ पे इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स है इस वाले बेबी मोड का, तो ये सब जानने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इस वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छे से कमेंट भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अपने माइनक्राफ्ट बेबी मोड लाने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पर जाकर सबसे पहले उस वाले मोड को डाउनलोड करके अपने माइनक्राफ्ट सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पे बिहेवियर पैक में जाकर सिंपली उस वाले मोड को एक्टिवेट करके वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। तो गाइस, जब तक वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऑसम मोड्स और वीडियोज लाते रहता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आपका यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट होगा, आप लोगों को वर्ल्ड स्टार्ट होते ही 5 पावर्स देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस 3, फायर रेजिस्टेंस, स्लो फॉलिंग और हेस्टी 3। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इस वाले मोड की मदद से जितना भी मतलब डैमेज होता है, सारा सारा डैमेज को आपके यहाँ पे कम करने की कोशिश किया गया। आप लोग यहाँ देख ही सकते हो कि आप लोग यहाँ पे फेदर फॉलिंग देखने को मिलने वाला, जिससे आप लोग यहाँ पे फॉल डैमेज नहीं होगा। और तो और गाइस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग बताया था कि इस वाले मोड की मदद से जितना भी आपका अटैकिंग मोब होता है, सारा का सारा मोब का यहाँ पे डैमेज कम कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, जैसे ये स्केलेटन मुझे है मारे कितना ज़्यादा मतलब कितना कम डैमेज होगा आप लोग यहाँ देखना। ये जैसे ही इसने मुझे यहाँ पे एरो हिट किया, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे एक एरो का मुझे यहाँ पे ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा। जैसे मुझे यहाँ इसने यहाँ पे 2 एरो मारा तब मेरा यहाँ पे हाफ हर्ट खत्म हुआ गाइस। और इस वाले मोड की मदद से आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है गाइस। आप लोग यहाँ देख ही सकते हो सिर्फ एक ही हिट में वो स्केलेटन मर गया गाइस। और तो और गाइस, जैसे ही आप लोग यहाँ पे इन सारे जॉम्बीज को मारोगे तो इन जॉम्बीज आप लोग यहाँ पे कुक्ड बीफ मिलेगा। आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे किसी भी जॉम्बी को मारते जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 2 कुक्ड बीफ मिल रहा है गाइस। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा उस वाले मोड की मदद से आपके यहाँ पे जो माइनक्राफ्ट है। और ये वाला जो मोड है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया है। और तो और गाइस, जैसे कि आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ गया है तो जैसे कोई क्रीपर आपके क्लोज आएगा तो ये फटेगा। अगर फटने से पहले तो आप लोग यहाँ पे इसे एक हिट में मार ही दोगे गाइस। आप लोग यहाँ देख ही सकते हो एक हिट मर जा रहा है, लेकिन अगर ये फट भी जाता है तो उससे आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम डैमेज होने वाला है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो फॉलिंग डैमेज आप लोग यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और इस ये जो क्रीपर इसका पावर भी कम कर दिया गया है गाइस इस वाले मोड की मदद से। और हाँ गाइस, इस वाले मोड में जैसे ही आप लोग यहाँ पे किसी काऊ को मारते हो या सिप को मारते हो या कोई भी ऐसा मोब को मारते हो जिसे मारने के बाद आपके यहाँ पे उसका मीट मिलता है, तो गाइस वो जो मीट मिलता है आप लोग यहाँ पे इस वाले मोड की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुक हो जाएगा गाइस अपने आप। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर काऊ को मारोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोग को कुकड मीट आप लोग को देखने को मिल जाएगा गाइस इस वाले मोड की मदद से। तो गाइस, इसी तरह से वाला मोड वर्क करता है। इस वाले मोड में जितना भी आपका अटैकिंग मोब होता है, सारा सारा मोब का डैमेज पहले तो कम कर दिया गया है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे जॉम्बीज को मारोगे तो उससे आप लोग यहाँ पे खाने का सामान मिल जाएगा। आप लोग जैसे यहाँ पे काऊ को या सिप को मारते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुक हो जाएगा गाइस। तो गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पे इस वाले मोड की मदद से कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा गाइस आपका यहाँ पे माइनक्राफ्ट जो है। तो गाइस, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला मोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला मोड और ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।